हेलो फ्रेंड्स, पीएस इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक 5-पिन सॉकेट, एक स्विच और एक इंडिकेटर में वायरिंग करना बताऊंगा। चलिए टाइम वेस्ट के बिना मैं बोर्ड में कनेक्शन करना शुरू करता हूं। सबसे पहले हम इंडिकेटर के नीचे वाले टर्मिनल और स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में वायर को कनेक्ट करूँगा। देखिए, मैं इंडिकेटर के नीचे वाले टर्मिनल और स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में वायर को कनेक्ट कर दिया। अब हम स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल और 5-पिन सॉकेट के एल वाले टर्मिनल में वायर को कनेक्ट करूंगा। इससे हमारा सॉकेट स्विच के साथ वर्क करेगा, स्विच के साथ ऑन ऑफ होगा। देखिए, हम वायर के एक एंड को स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर दिया और वायर के दूसरे एंड को 5-पिन सॉकेट के एल वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर दिया। फ्रेंड्स, यदि हमारा यूट्यूब चैनल पीएस इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। देखिए, ये हमारी फेज वायरिंग हुई, हमारी फेज वायरिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसमें न्यूट्रल वायरिंग करेंगे। न्यूट्रल वायरिंग के लिए हम ब्लैक कलर की वायर का यूज करेंगे। न्यूट्रल वायरिंग हमारी इंडिकेटर के ऊपर वाले टर्मिनल में वायर के एक एंड को कनेक्ट कर देंगे। देखिए, मैं इंडिकेटर के ऊपर वाले टर्मिनल में ब्लैक कलर की वायर को कनेक्ट कर दिया और वायर के दूसरे एंड को 5-पिन सॉकेट के एन वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर दिया। देखिए, मैं वायर के एक एंड को इंडिकेटर के ऊपर वाले टर्मिनल और दूसरे एंड को 5-पिन सॉकेट के एन वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर दिया। ये हमारी न्यू वायरिंग हुई, हमारी फेज और न्यूट्रल की वायरिंग हो गई है। अब हम इसमें मेन फेज की वायर कनेक्ट करेंगे। मेन फेज की वायर हम इंडिकेटर के नीचे वाले टर्मिनल में रेड कलर की वायर को हम कनेक्ट कर रहे हैं, जो हमारी मेन फेज की वायर है। देखिए, मेन फेज की वायर को हम इंडिकेटर के नीचे वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर दिया और मेन फेज की न्यूट्रल वायर को हम 5-पिन सॉकेट के एन वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर दिया। देखिए, हमारे बोर्ड में मेन फेज और न्यूट्रल की वायर कनेक्ट कर दिया। अब हम इसको सीधा करके पावर देकर ऑन करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बोर्ड में पावर दे दिया है और हमारा इंडिकेटर ग्लो कर रहा है। अब हम 5-पिन सॉकेट को भी चेक कर लेते हैं। देखिए, हमारा 5-पिन सॉकेट भी सही से वर्क कर रहा है। फ्रेंड्स, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलता हूँ दोस्तों ऐसी ही वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।